गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने माता पिता के साथ घर में सुरक्षित होंगे। मैं मिस गीता आप लोगों की हिंदी की शिक्षिका हूँ। मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। यह मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग आज स्वर वर्ण के बारे में लिखने और पढ़ने के लिए सीखेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ और लिखने के लिए। और लिखते समय इसका पहला भाग छोटा होगा, दूसरा भाग बड़ा होगा, तीसरा भाग साइड में एक लकीर होगा, चौथा भाग एक पाया होगा बिल्कुल सीधा, पांचवा भाग ऊपर की ओर होगा ढका हुआ, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया, पहला भाग छोटा, दूसरा भाग भाग बड़ा, तीसरा भाग में साइड से लकीर है, लकीर बोलिए या डंडा बोलिए, चौथा भाग भी उसी तरह है, चौथा भाग में सीधा डंडा, पांचवा भाग में पूरा कंप्लीट हो रहा। दूसरा मैं बताऊंगी, अ के बाद आ लिखना, बिल्कुल अ की तरह ही आ लिखना है, बहुत अंतर नहीं है। इसमें भी पहला भाग छोटा, दूसरा भाग बड़ा, तीसरा भाग पॉइंट की साइड से डंडा, चौथा भाग पाया, पांचवा भाग में आप एक मात्रा लगाएंगे और ऊपर में लकीर होगा, यहाँ आकर आप लोगों का आ पूरा कंप्लीट होता है। इस तरह से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया अ के बाद आ कैसे लिखते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी छोटी ई लिखने के लिए, छोटी ई कैसे लिखते हैं। छोटी ई लिखने के लिए भी बिल्कुल एक सीधा एक लकीर खींचना होगा छोटा सा, उसके बाद दूसरा स्टेप में होगा नीचे की ओर, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप होगा पीछे की ओर, फोर्थ स्टेप होगा नीचे की ओर, और फिफ्थ स्टेप होगा इसमें ऊपर पूरा ढका हुआ होगा। कंप्लीट है इधर छोटी ई। इसी तरह भी छोटी ई के बाद मैं आप लोगों को बड़ी ई बताती हूँ, बड़ी ई कैसे लिखना है। ठीक छोटी ई की तरह ही बड़ी ई लिखेंगे। इसी तरह इसमें भी होगा छोटा सा एक लकीर या डंडा या पाया बोलिए, दूसरा स्टेप में घुमाइए लकीर देके नीचे की ओर बिल्कुल इसी के सीध में, तीसरा स्टेप होगा नीचे की ओर पूरा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ई का भाग खुला हुआ नहीं होता है, नीचे की ओर, और फिफ्थ स्टेप होगा ऊपर में
मात्रा रहेगा, मात्रा नीचे की ओर झुकी हुई होना है और इस पर ये ढका हुआ होना है। तो बच्चों इस तरह से मैं आप लोगों को अ आ छोटी बड़ी कैसे लिखते हैं समझ में आ गया होगा अभी आप लोगों।